सैफुल्ला सुमरो साहब मीरपुर खास से आए हैं, एमटीक्यू। ये क्या है भाई एमटीक्यू? एमटीक्यू एकेडमी। अच्छा, मुखफ्फ किस चीज का है? ये मदरसा है जहां पर अच्छा, तालीम। ठीक है, मदरसतुल कुरान होगा ना? मुमकिन तौर पे। हाँ जी, सैफुल्ला सुमरो साहब, बिस्मिल्ला। जब दहशत रक्स करे और लाशों के अंबार लगे हों, तो चेहरों से मुस्कुराहटें छिन जाती हैं सदरे आली वकार, कि हमारी वीरान आंखों में एक फलाही इस्लामी रियासत का ख्वाब सजाया गया। आजादी के इस ख्वाब की ताबीर एक ना खत्म होने वाले भयानक दौर में तब्दील होती चली गई, कि हम सहमे सहमाए लोग, जिन्हें कभी 1953 में सरकारी रिट नाफिज करने के नाम पर लाहौर की सड़कों का रोगन बनाया गया, कभी हमारे कदमों से फिरंगी बेड़ियां उतार कर हिंदुस्तानी बेड़ियां डाल दी गईं, और जब शहर दहशत ज़दा हुए, बस्तियां सहमी, तो फिर हमें वडेरों और जागीरदारों के हाथों इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त कर दिया गया। सदरे आली वकार दहशत फैलने लगी। जैनब, मशाल खान और ऐसे लाखों मासूमीन की आहें और सिसकियां उनकी माँ के सीने में दफन होती चली गईं, कि हम हुब्बे वतन से सरशार सहमे सहमाए लोग, जो इस मुमलिकत को मानिंदे दुल्हन सजाने और बसाने की तमन्नाएं करते रहे, मगर फिर शहर दहशत ज़दा हुए और बस्तियां सहमी, तो दुल्हन की हाथों की पीलाहट बेवाओं की इद्दतों की आहट बन गई, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आज ना पूछो हमसे। आज सीने पे धरी है किसी अफसोस की सल, कल का वादा है कोई बात करेंगे, मगर आज आज हम रो ना पड़े, आज बहुत जर्द है दिल। दहशत इंसानी वजूद को सुपुर्दे खाक करने का नाम है सदरे आली वकार, के दहशत ज़दा है शहर सहमी है बस्तियां। बहन की पुकार पर लब्बैक कहने की बजाय अपनी बहन आफिया को अग्यार के हवाले कर देना, के दहशत ज़दा है शहर सहमी है बस्तियां। 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का यूं सरेआम कत्ल हो जाना, के दहशत ज़दा है शहर सहमी है बस्तियां। 2011 में सियालकोट में दो हाफिज़े कुरान भाइयों को बेदर्दी कत्ल कर देना, के दहशत ज़दा है शहर सहमी है बस्तियां। के प्रियंता कुमारा को बरहना जलाना, के दहशत ज़दा है शहर सहमी है बस्तियां। के अशराफिया के महल सराओं में मेडिकल कॉलेज की तालबा को उसकी हुरमत पर जूते चाटने पर मजबूर कर देना। सदरे आली वकार, आखिर कब तक हम अपनी नालायकियों का जिम्मेदार उस रब्बे वाहिद को ठहराते रहेंगे? अब हमें भी होश के नाखून लेने होंगे। शुक्रिया। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।